वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितम् श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावनम मनोहर वाछाकलपतरुवश्य कृपा सिंधु बवच पतितानं पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदवाधवम् वृंदावि तुलसीदेव वै पिया वै केशव कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन धैयम् सदा परिभवग्नम् अविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरुञ्चन तम् शरण्यम् फीतातिहम् पनतपाल भवाद्दिपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदतु संकेतनैकवितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणाभुतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदतु संकेतनैकवितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणाभुतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम
Narayano Priyamananga Madhaparam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Bhagisha Jusho Padane Lakshmi Rajasacha Bhakshasi Jasasti Hidai Sambihi Pam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Prakriti Kriyamana Nigunai Karmani Sarvasaha Ahankara Vimuratva Karta Aham Iti Mannati Prakritihi Kriyamanani Gunai Karmani Sarvasaha Ahankara Vimuratva Karta Aham Iti Mannati Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guru Ji ne bataye ahankar vimuratma jo log hai wo sab karmakandi buddhi yukt hai Srila Gaudi Yoga Gosthipati Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guru Ji ne bataye ahankar vimuratma jo janta hai sare karmakandiya buddhi yukt hai ये लोग का बुद्धि बिल्कुल शुद्ध नहीं है ये लोग अभ्युदयवादी अभ्युदयवादी कुछ करना चाहता है भक्ति नहीं दूसरा कुछ दिखाना चाहता है ये लोग आरोहवादी अपने कुछ करके दिखा देंगे अपना पुरुषाकार के ऊपर भरोसा रखने वाले आदमी अनंत काल धोखा खा जाता है ये लोग अपना बल भरोसा पर मैन पावर मनी पावर विद्यावत्व सब का ऊपर ये सब चीजों के ऊपर भरोसा रखने वाले ये लोगों को पता नहीं भगवान का अगर इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है भगवान का इच्छा नहीं है तो कुछ भी हो नहीं सकता रावण बहुत कुछ किए हैं देवता लोगों को बस में लाया सब कुछ किया स्वर्ग का सीढ़ी बनाने का चक्कर में थे लेकिन वो काम में डिले कर दिया लेट कर दिया तो हुआ नहीं स्वर्ग का सीढ़ी बनाएगा रावण ये विचार कर लिया अहंकार विमुडात्मा गण वो सब कर्म कांडी होते हैं दिखाने के लिए भजन में आ रहा आते हैं दिखाने के लिए भजन में तो आते हैं लेकिन 100% में कम से कम 98% तमाम बद्ध जीव संसार में अपना कुछ कर नहीं पाए तरक्की और चलो साधु बन जाए ऐसा बहुत संख्यक भगवान का साथ ये लोगों का कोई सवाल ही नहीं है भगवान का साथ कोई संबंध ही नहीं है संबंध मनाना नहीं चाहता भगवान का साथ इसका कोई तालुकात है नहीं लेकिन साधु बन जाते क्योंकि संसार में कुछ हुआ नहीं चलो अभी साधु बन जाए ऐसा इफ नॉट मोर अगर ज्यादा नहीं है तो 98% सारे चलो साधु बन जाए ऐसा बद्ध जीवों के द्वारा भजन राज्य सारे कंटेमिनेशन होता है पूरा तमाम बद्ध जीवों के द्वारा ये जो टट्टी पेशाब करते हैं ना यू नो पूरा नाम हट्टो का एकदम बाड़ा बजा के छोड़ने वाला नाम हट में कोई काचड़ा अलाउ नहीं
लेकिन हम लोग जोर जबरस्ती नाम हाट में, नाम का हाट में कचरा घुसा रहे इच्छा करके, ताकि मेरा कुछ सुविधा हो जाए। ये लोग आरोहवादी कुछ करके दिखाना चाहते, अपना बल भरोसा पुरुष कर का ऊपर भरोसा रखने वाले, भगवान का ऊपर, गुरु वैष्णव के ऊपर, धाम नाम का ऊपर बिल्कुल इसका कोई तालुका ही है नहीं, तालुका कोई कनेक्शन नहीं। दिखा जो है वो तो दिखावा दिखा, वो कुछ नहीं, संबंध ज्ञान कुछ नहीं है, ऐसा चल रहा है। और मोक्षवादी ज्ञानी योगीगण अपना प्रयास प्रचेष्टा के द्वारा कुछ करना चाहता है, ऊंचा जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है। मोक्षवादी ज्ञानी योगी ये सब अपना चेष्टा बल भरोसा को ऊपर जाना चाहता है। और ब्रह्मा जी पहले ही बता दिए कि देखो ये लोग बहुत कष्ट करके ऊपर जाने का बावजूद गिर जाते हैं। आरुज्य कृच्छेन परम पदम ततः पतति अध। चैतन्य चैतामित है, ज्ञानी व्यक्ति सब अहंकार करके बोलते रहते हैं। याद है पहले दिन बताया था, क्रिया सक्ता नधीक बिगड़ तपस धीक च जमीन धीगस्तु ब्रह्म हम बदनो परिफुल्लान जरो मतीनो किम एतानो सचामो विषय रसमत्यानो नरो पुसुनो न केसांच द्वेषोपि अह मिलित गौर मधुन। इसका कोई डिटेल्स व्याख्या हो पाएगा, अभी तो इसका साथ कोई ताल्लुकात है नहीं ज़्यादा। क्रिया सकता न ठीक प्रबोधानंद सरस्वती पाद जो क्रिया कांड में कर्म में आस्था रखने वाले उनको धिक्कार है, धिक्कार है लोग। और जो विकट तपस्या उग्र तपस्या करने वाले हैं इसको भी धिक्कार, इसको भी धिक्कार। और जो बोलते रहते हम ज्ञानी हम ब्रह्म बन गया, ब्रह्म हम बदन परिफुल्लान जड़ो मतीनो जड़ो मती हम ब्रह्म बन गया, हाँ तो तुम ही तो ब्रह्म बना, ठीक ही है। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु करी माने, ये ज्ञानी जो है असली ज्ञानी तो हुआ नहीं, वो जीवन मुक्त दशा हमको मिल गया बल्कि एकदम मजा। ज्ञानी ब्रह्म होने के लिए प्रयास प्रचेष्टा में लगे हुए हैं। क्षुद्र जीवात्मा इन्फिनाइटिसिमल ये ब्रह्म बनने का जो प्रयास है, ये आरोहवादी योगी ज्ञानी ये सब जो है जो है इसका अंदर में प्रतिष्ठा ऐसा वैसा प्रतिष्ठा नहीं है कि पूरा भगवान का जो चेयर है, भगवान का जो कुर्सी है उसको भी छीनना चाहते हैं। भगवान का कौन सी कुर्सी? ब्रह्म पद, भगवान ब्रह्म है स्वयं, भगवान साक्षात ब्रह्म है परात्पर अखिलेश्वर। और वो लोग ये जो टाइटल है ये लेना चाहे, हम भी हम ब्रह्म है, ब्रह्म बन गया भगवान का। और कोई कोई मायावादी तो मठ में है वो गुरु जी का कुर्सी लूटना चाहते हैं। अरे दो चार मठ बनाए तो सुविधा होगा ना, गुरु जी तो जाने वाले ही है, उसके बाद कौन आचार्य, जो हमित होगा। और इसीलिए थोड़ा प्रयास चेष्टा करके दो चार मठ बनाने जाए तो अच्छा हो, गुरु जी तो जाने वाला ही है। और जाते जाते अगर ना 100 करोड़ का संपत्ति दे के जाए तो अच्छा है ना, हमने किया सेवा गुरु जी का, तो पेंशन तो चाहिए। हाँ ऐसा ही है। क्षुद्र जीवात्मा का ब्रह्म बनने का जो कोशिश है ये आरोहवाद, ऐसा करके तमाम दुनिया में समस्या फैल रहा है। प्रकृति ही क्रियमानानि गुणोय कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुरात्मा कर्ता अहम इति मन्नते। ऐसे प्रकृति क्रियमानानि
देखा जाए तो प्रकृति का जो त्रिगुण है त्रिगुण है ये सब नचारा है। बहुत पहले चर्चा हुआ बहुत बार, जे प्रकृति जड़ वस्तु है, प्रकृति का साथ पुरुषों का अथवा आत्मा का आपस में अनंत काल रहने का कारण एक का गुण दूसरे में संचालित हो गया। ऐसे प्रकृति जड़ है, लेकिन प्रकृति का जो एलिमेंट है, जितना सारे एलिमेंट है प्रकृति से ही तो लिया गया ना, खेती अपते मोदगम, जो गीता में भगवान बताए पहले, भूमि राप अनलो खंग वायु खंग बुद्धि, है ना, जो श्लोक बताया था, खंग मनोबुद्धि रेवच अहंकार इत्यंग में प्रकृति रष्ट था। भूमि राप अनलो वायु खंग मनोबुद्धि रेवच अहंकार इत्यंग में प्रकृति रष्ट, ये आठ किस्म का प्रकृति का सेग्रीगेशन डिवीजन, कोई भी जाओ रेहा नहीं है, छुटकारा नहीं है। और ये जो प्रकृति का जो फाइव एलिमेंट्स है इसके द्वारा बनावटी ये जो बनाया हुआ है जो शरीर है, ये शरीर भी प्रकृति है। और इसका अंदर में जो आत्मा बैठा हुआ है वो तो आत्मा जो है, आत्मा बैठा बैठ आत्मा जो है, आत्मा तो एक्चुअली स्त्रीलिंग है, बैठी हुई है। तो आत्मा जो है, आत्मा कुछ करता नहीं, किसी को मारता भी नहीं और किसी ने आत्मा को काटता भी नहीं, कुछ नहीं करता, निष्क्रिय निरंजन निष्कलंक आत्मा तो कुछ करता नहीं, आत्मा निष्प्रिय है। और ये आत्मा चिदात्मा ये पांच भौतिक शरीर का अंदर घुसने का साथ साथ पूर्व कर्मफल का अनुसार जो स्वभाव पैदा हो जाता है, ये जो आत्मा रहने का कारण और आत्मा का जो सतसिद्ध ज्ञान है, आत्मा सतसिद्ध ज्ञानवान है। एक आत्मा का जो अंदर में जो ज्ञान ज्ञानमय वस्तु, चिन्मय वस्तु, ज्ञानमय वस्तु, आनंदमय वस्तु, लेकिन पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये जो ग्रॉस बॉडी है, पंचभौतिक शरीर है, इसका अंदर में सूक्ष्म शरीर है, ये प्रकृति का जो त्रिगुण है इसके द्वारा नच रहा है। और जब शरीर काम कर रहा है तो लगता है कि हम ही काम कर रहे, अर्थात शरीर में मैं बुद्धि, ये शरीर में मैं बुद्धि आ जाता, विवर्त बुद्धि, ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर जड़ वस्तु है, लेकिन शरीर को एक्टिव देखा जाता है, पूरा प्राण संचालित हो रहा है। क्यों? ये आत्मा होने का कारण। ऐसे इसीलिए लगता है कि प्रकृति का अंदर में प्राण है, सब है ये, लेकिन प्रकृति जड़ वस्तु है, लेकिन इसके द्वारा जो प्रकृति के प्रभाव के द्वारा पूरा जो जीवात्मा है सब नाच रहा है। जैसे काट का पुतली नाचता है ना, जैसे कुंती देवी जी ने कही है ना, नटो नट्टो धरो यथा, नटो नट्टो धरो यथा, नाटक में काट का पुतली जैसे पीछे से कोई काला धागा से नचा रहा है और किसी को पता नहीं लगता है कि यही बात कर रहा है, यही चल रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। भूतों का माफी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बताए, पिशाची पहले यथा मतिच्छन्न है मायाबद्ध जीवेर है सेवा बुध है। एक ही शरीर है, पांच भौतिक शरीर, लेकिन जब गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा तमाम नो जितना सारे सेंस ऑर्गन हैं, इंद्रियां हैं, और भगवान का लिए सेवा के लिए तरसते रहते, जब व्यस्त हो जाता है, इस समय जो है ये भक्ति देवी का फंक्शन, भक्ति देवी के कृपे के द्वारा, अभी तो माया के द्वारा प्रभावित होकर त्रिगुणों के द्वारा खेला, लेकिन भक्त का अंदर में त्रिगुणों का कोई खेल नहीं है। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे,
इसी जगत का आकर्षण विकर्षण का धर्म से बाहर जाना जरूरी है। इसी जगत में जो आकर्षण विकर्षण है, ये आकर्षण विकर्षण का धर्म से बाहर जाना है, और कोई चारा नहीं, उपाय नहीं। ये जगतेर इस जगत का जो आकर्षण विकर्षण धर्म है, ये आकर्षण विकर्षण का बाहर जाना जरूरी है। जब तक इसमें उलझे हुए रहता है जीव, पता नहीं चलता। जैसे भूत पकड़ने के समय में चलता है ना, कुछ पता नहीं चलता कौन करता है, भूत करता है, चेतना को आच्छादन कर दिया। ऐसा करके प्रकृति क्रिया मानानी और आकर्षण विकर्षण का धर्म से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आगे चल के हम तो फिर पीछे का दो चार दस श्लोक हम चर्चा करना चाहते हैं कि और क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल के समझ में आता है। विश्वनाथ चकोतिवाद बलदेव बुद्धा संगी जी जी क्या, फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या किया, फिर दोबारा और थोड़ा विभु वस्तु भगवान कभी पाप पुण्य किसी का नहीं लेता है। पिछले पांच चैप्टर में जो आया था ना, नादत्त कस्यचित पापम न चैव, ये दो एक श्लोक और चर्चा करेंगे कल, क्योंकि इसमें अगर एकदम पूरा पक्का भावना नहीं आया, पूरा विचार नहीं आया, तो आगे चल के और मुश्किल हो सकता। जो भी व्याख्या किए फिर भी हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं आए, और करना चाहते। और जो भी है, ये जो युक्त वैराग्य के बारे में बताया, इसलिए 25 नंबर श्लोक जो है, छः अध्याय का बहुत पहले कर चुके हैं, फिर भी शनै शनै रूप शनै 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 रूप में बुद्ध्या धृति गृहत्वया आत्मसंस्तम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंता। धीरे धीरे करना जरूरी है। ये जो प्रोसीड्यूर बताया था, इसमें जल्दीबाजी करे तो बुद्धि विकृति हो सकता है, इसका बुद्धि खराब हो सकता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से किसी चीज का ऊपर मेरा आकर्षण आ गया। जैसे भगवान का नाम, भगवान का धाम, भक्तों का जो व्यवहार, भक्तों का जो आचरण, सब में मेरा आकर्षण आ गया तो ठीक है। नहीं तो ये जो योग के बारे में बता रहे हैं, पहले जो ये षष्ठोध्याय श्लोक में भगवान जो बताए, जंग संन्यासम इति प्राहुर योगम तंग विद्धि पांडवा, ये जो उल्लेख किया जो श्लोक, ये कर्म योग के बारे में पहले पहले जो बताया था, इस बारे में चर्चा करके भगवान बताए कर्म योग। लेकिन आगे चलकर जब नाति अस्नतस्तु योगो अस्थि, ऐसा श्लोक बताया पहले बाद में, तो ये योग जो योग है, ये समाधि योग। पहले कर्म योग के बारे में बहुत सारे खुल्ला खुल्ला चर्चा हो पाया, लेकिन अभी जो चर्चा हो रहे थे, जो जहाँ बताए भगवान नाति अस्नतस्तु योगो अस्थि, ये जो बताया था, ये जो योग, ये समाधि योग, ये समाधि योग यही सर्वतः मुख्य, सबसे ये मुख्य योग है, और भक्ति योग तो सबसे आगे है। योग अभ्यास के द्वारा चित्तो निरुद्ध होके निश्चल हो जाता है, उपरत है, ये योग का स्वरूप लक्षण। योग मतलब किसी सुख दुख, किसी कोई कंडीशन, कुछ नहीं रहता बिल्कुल। दुख मतलब पूरा दुख के बाहर है। योग अभ्यास के द्वारा चित्त निरुद्ध होकर उपरत हो जाता है, निरस्त हो जाता है, ये योग का स्वरूप लक्षण है। और पतंजलि भी ऐसे ही बताया, योगोश्चित्त निवृत्ति निरोध, योगोश्चित्त
योगस चित्तवृत्ति निरोधः, ऐसा बताया। इस अवस्था में योग अभ्यास के द्वारा चित्त निरुद्ध हो जाता है तमाम विषयों से, ऊपर तो छुटकारा इसको मिलता है मन, विशुद्ध मन के द्वारा सीओ आत्मा को ही दर्शन करते रहते हैं। इस बारे में चर्चा हो गया पहले, कैसे आत्मा के द्वारा आत्मा में आत्मा आत्मा का आत्मा आत्मा को दर्शन करता है, सब चर्चा हो गया। और यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमैतत् आत्मनिएव अवसम नयेत। ये चंचल अस्थिर मन, मन स्वाभाविक रूप से चंचल एवं अस्थिर, और इस अवस्था में कभी कभी पूर्व संस्कार के अनुसार भगना चाहता है, और जो भगना चाहे इस समय कदाचित कोई प्राप्तन सूक्ष्म दोष के द्वारा मन पुनः विचलित हो जाते हैं, भागते रहते हैं। इस अवस्था में धीरे धीरे उसको जैसे ही भागते भागने का प्रयास प्रचेष्टा किए, फिर उसको द्वारा लाके धीरे धीरे प्रत्याहार पूर्वक प्रत्याहार मतलब विषय से उठाकर फिर अपना पोजीशन में स्थित कर देना। ऐसा करके करते करते प्रयास प्रचेष्टा जरूरी है। धीरे धीरे जब भी बहुत मुश्किल है, फिर भी ये जरूरी है। और ये भी कह चुके हैं कि प्रशांत मनसम ही एनम योगेनम सुखमोत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकलमसम। जिस योगी का चित्त वृत्ति रजोगुण से निवृत्त हो के चित्त प्रशांत हो गया है, निष्पाप, क्योंकि वो हमको जो पाप में नियोजित करने वाले कौन है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भव महासन महापापना विद्दिन मेनम वैर्यम। रजोगुण अगर निवृत्त हो गया तो रजोगुण समद्भव, रजोगुण से ये लोग उत्पत्ति होते, रजोगुण ही नहीं है तो ये कहाँ से आए। जिसका चित्तवृत्ति रजोगुण से दफा हो गया, पूरा निवृत्त, चित्त प्रशांत निष्पाप एवं ब्रह्म भावापन्न हो गया, ब्रह्म के साथ स्पर्श हो गया कॉन्टैक्ट, ये इनका ये योगी का जो समाधि जनित जो सुख है, बड़ा आनंद उपलब्धि करता है ये योगी को श्रेष्ठ सुख निश्चित रूप से आश्रय करता है। इसको विचलित होने का कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। और आगे दो तीन श्लोक हम पढ़ते चलेंगे। जुंजन एवं सदात्मनम योगी विगत कलमसः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अगले श्लोक में सर्वभूत सर्वभूतस्तमात्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र समदर्शन का बात बारे में चर्चा भी किए। ये योगी ऐसा योग के द्वारा सक्सेस अगर जब हो जाए तो समाहित चित्त होकर सर्वत्र ब्रह्मदर्शी योगी आत्मा को सर्वभूतों में, सर्वभूत को अपना आत्मा में दर्शन करते रहते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मनम, सर्वभूतस्थम आत्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन समदर्शन। भक्तिमोहन ठाकुर कहना चाहते हैं कि ये जो इस अवस्था में ब्रह्म स्पर्श सुख, कैसा किस्म का ब्रह्म स्पर्श सुख, इस बारे में संक्षिप्त थोड़े से शब्द में बता रहे हैं। समाधि भक्त योगी का व्यवहार दो किस्म का है, भाव व्यवहार और क्रिया व्यवहार। भक्तिमोहन ठाकुर कह रहे हैं
इनके जो भाव है ये भाव व्यवहार में वो आत्मा 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 को सर्वभूत में सर्वभूत को आत्मा में दर्शन करते रहते हैं और क्रिया व्यवहार कैसा बोले सर्वत्र समदर्शी और क्रिया व्यवहार में कैसे समदर्शी इसका बारे में अगले श्लोकों में व्याख्या हो पाएगा। सर्वत्र समदर्शी का बहुत बहुत बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्या हो सकता है क्योंकि भक्तों का बारे में ये व्याख्या थोड़ा सा अलग किस्म का हो सकता है। जैसे चैतन्य चैतन्य में बताया गया स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति ये सबसे ऊंचा सका है सबसे ऊपर चैतन्य चैतन्य में महाप्रभु जी ने बताए जो सर्वटय भट्टाचार्य जी ने बताए प्रभु आप कौन हो आपका अंदर में हम देख रहा राधा गोविंद जी है न देख रहा हूं एक साथ उसके बाद फिर गौर रूप देख रहा हूं क्या बात है। महाप्रभु जी ने बताया देखो स्थावर जंगम देखे ना देखे तुम महाभागवत हो महाभागवत स्थावर जंगम देखने से भी नजर उसका इष्टदेव में है जहां जहां नेत्र पड़े जहां जहां देख रहा है तो इष्टदेव दिख रहा है और कुछ नहीं ये सबसे ऊंचा दर्शन है। और अगले पहले बताए थे जे सर्वभूतेषु चात्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षितात्मनि भावेनो भूतेषु इव तदात्मतम तीन नंबर अध्याय में ना ये श्रीमद् भागवत जी महापुराण का श्लोक है तीसरा तृतीय स्कंदों का 28 अध्याय में 42 नंबर श्लोक 42 सर्वभूतेषु चात्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षेत आत्मनि इक्षेतेनानन भावेन भूतेषु इवो तदात्मताम सर्वभूतेषु चात्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षेतानन्न भावेन भूतेषु इवो तदात्मताम। निखिल भूतगणों का अंदर में आत्मस्वरूप भगवान का सत्ता का दर्शन और भगवान आर भगवान का अंदर में निखिल भूतों का सत्ता दर्शन करते रहते हैं ये अनुभव करें उत्तम भक्तों का लक्षण है। और योग में साधारण ये जो योग का बारे में बता रहे हैं जिसमें सर्वभूतस्तुमात्मनम सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यह सर्वत्र समदर्शन मतलब यहाँ सर्वभूत सर्वभूत में परमात्मा का दर्शन करना परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करना ये समदर्शन। आगे चल के समदर्शन का और व्याख्या हो जे दूसरे का सुख दुख वो भी अपना जिंदगी में अनुभव करना ये कोई खेलकूद नहीं है बड़ा ऊपर। तीस नंबर जैसे बताए जो मन पश्यति सर्वत्रो सर्वंच मई पश्यति तस्य अहम् न प्रणश्यामी सच मे न प्रणश्यति। जो मान पश्यति सर्वत्र जो हमको सर्वत्र दर्शन करता है जो मान पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति सब कुछ मेरे में दर्शन करता है और सब वस्तु में मेरे को दर्शन करता है इसके लिए तस्य अहम् इसके लिए न प्रणश्यामी तस्याहम न प्रणश्यामी स च मे न प्रणश्यति उसके लिए ये मेरे से अलग नहीं हो पाते हम भी उससे अलग नहीं हो पाते जोड़ जाते हैं संबंध में ऐसा हो जाता है।
भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, जो व्यक्ति हमको सर्वत्र सब सर्वभूतों में दर्शन करता है और हम में सर्व वस्तु का भी दर्शन करता है और सर्व वस्तु भी मेरे में दर्शन करता है, हम उसका बन जाते हैं। हम उसका बन जाते हैं मतलब ये है, शांत रति अतिक्रम करके हम तुम्हारा है, तुम हमारा है, अमित तो तुमार तुम ही तो अमार, ऐसा बुद्धि मोदियो तो दियो बुद्धि आ जाता है, एक संबंध जोड़ जाता है। शांत रति अतिक्रम करके हम तुम्हारा है, तुम हमारा है, एक प्रेम का संबंध उत्पन्न होता है। ये संबंध उत्पन्न होने से उसको हम मद हमारा दर्शन का अभाव के द्वारा शुष्क ज्ञानी बनाना नहीं चाहता हूं। मनमानी ये है, ये संबंध जन्म ये संबंध उत्पत्ति होने के बाद हम उसको मत दर्शनाभाव हमारा दर्शन का अभाव के द्वारा शुष्को यू नो चिन्मात्र प्रतीति दर्शन नहीं कराता हूं, शुष्को निर्वाण रूप सर्वनाश प्रदान नहीं कर सकता हम, अर्थात वो हमारा दास बन जाता है और कभी विनाश नहीं हो पाते, वो हमारा दास हम हो जाता है, इसलिए उसका कोई सर्वनाश हो नहीं सकता। सत्यनाश जो मान पश्यति सर्वत्रो सर्वंच मई पश्यति तस्याहम न प्रणस्वामी सौच मे न प्रणस्वती, ऐसा भाव है। 31 नंबर में सर्व सर्वभूत स्थितम जो मांग भजत्येकत्वम अस्थितः सर्वथा वर्तमानो उपि स्वयोगी मयि वर्तते, या जिनी जो व्यक्ति जो योगी सर्वभूत स्थित हो सर्वभूत में अवस्थित हो हमको मांग हमको एकत्वम एकत्व बुद्धि के द्वारा अवस्थित हो हमको अस्थित्व माने आश्रय करके भजति हमारा भजन करते रहता है सर्वथा सर्व अवस्था में वर्तमान उपी अवस्थित सर्व अवस्था में रह के भी वो योगी मई वर्तते हम मुझ में ही रहता है, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट होना संभव नहीं। योगी साधन काल में सर्वत्रो सर्व हृदयगतो जो चतुर्भुजाकार भगवान परमात्मा भगवान ईश्वर ध्यान योगी का जो साधन काल में सर्व हृदयगतो यो चतुर्भुजाकार जो इष्ट रूप जो दर्शन है परमात्मा ईश्वर ध्यान उपदिष्ट है, तब समाधि काल में निर्विकल्प अवस्था है द्वैत बुद्धि रहित, अगर द्वैत भावना आ गया तो उसकी उस समय में मेरा श्याम सुंदर रूप का भी सच्चिदानंद श्याम सुंदर मूर्ति गतो एकात्म बुद्धि आ जाता है, चतुर्भुज नहीं श्याम सुंदर में सर्वभूतस्थित हमको जो योगी भजन करते रहता है अर्थात श्रवण कीर्तन द्वारा भक्ति करते रहते हैं वो कार्यकाल में कोई कर्म करते हुए या तो विचार काल में ज्ञान कार्यकाल में कर्मों विचार काल में ज्ञान और योग काल में समाधि करके भी मुझ में ही रह जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, अर्थात कृष्णो सामीप्यो लक्षण रूप मोक्षो लाभ करें सर्वभूत स्थितम जो मान
भजत्ति एकत्वमस्थिता सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। तात्पर्य ये है जो योगी हमारा अचिंत स्वरूप शक्ति अनुभव करता है वो हमारा सबसे प्यारा है। जो योगी मेरा अचिंत स्वरूप शक्ति का अनुभव करता है वो मेरा सबसे प्रिय है। सब जीवों का अंदर में प्रविष्ट जो परमात्मा है उज्जवल जे शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी जे चतुर्भुज पृथक पृथक भाव में अवस्थानकारी हमको जो एक वो अभिन्न रूप में ध्यान करते रहते हैं वो उत्थान काल सर्वावस्था अवस्थान करके भी अर्थात स्वविहित कर्मों करने का साथ साथ या नहीं कर रहा सर्व स्वविहित कर्मों करते रहता है या नहीं करते रहता है हमारा अचिंत शक्ति शक्तिकत्व धर्मानुभव महिमा के द्वारा कामाचार दोष निर्दक्त करके हमारा समीप रूप मोक्ष लाभ कर कर लेता है। इसका अर्थ संसार प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान भगवान का ये अचिंत शक्ति संबंध श्रुति का जो एकोपि सन ये सब जो है एवं श्रुति का एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी इत्यादि श्लोक जो है ये इसके बाद जो चर्चा किया यहां बड़ा विचित्र श्लोक है। इसमें ये जो आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति जो अर्जुनो सुखम वा योदि वा दुखम सयोगी परम मत आत्मोपमेन माना हमारा मापिक सर्वत्र यो जो व्यक्ति जो योगी सर्वत्र सर्वभूतों में आत्मोपमेन अपना मापिक सुख वा यदि दुखो ये पश्यति लक्षण करता है देखते रहता है सयोगी से योगी परमो मतः श्रेष्ठ बोल के विचारित होता है। आत्मोपमेन मना मा अपना समान दर्शन करना ये बड़ा सामान्य बात नहीं है। भक्तिमठो कह रहे हैं कि ये योगी का क्रिया व्यवहार कैसा किस रूप कैसा ये परम योगी ये सर्वो भूतों में समदृष्टि रखने वाले समदृष्टि का अर्थ ये है जो अन्य समस्तों जीवों का अंदर में व्यवहार स्थल में अपना मापिक दर्शन करना। जैसे हमारा भूख लगने से दूसरे का भी उसका भी भूख लगा होगा इसका कष्ट होता है हमारा कष्ट हो रहा है मतलब इसका भी ये हो रहा है इसका भी कष्ट हो रहा है। आत्मोपमेन अन्य जीवों का समस्त जीवों का व्यवहार स्थल में प्रैक्टिकली समान ज्ञान करना अपना मापिक ज्ञान करना मेरा भूख लगता है तो उसको भी लगता होगा ये इसका पिता मर गया तो क्या दुख है इस दुख में मतलब दूसरे का दुखों में समव्यथित दूसरों का दुखों में समव्यथित हो जाना निजो अपने दुख का अपना दुख का समय में जैसा अनुभव है वैसा हृदय में अनुभव करना ये कोई सामान्य बात नहीं है बोलने में इजी लगता है। अतः समस्त जीव सुख कोई जीव का अंदर में किसी को दुख मिले ये बिल्कुल चाहता ही नहीं। समदर्शन जब आ जाता है किसी का दुख पहुंचे ऐसा भाव नहीं रहता
नहीं नहीं किसी को दुख नहीं होनी चाहिए। अतः समस्त जीवों का सुख निरंतर वांछा करते रहते, किसी का मां कष्टभाग भवेत, किसी का दुख ना हो, तदनु ऐसा मापिक कार्य जो करते रहते हैं इसको समदर्शन कहता है। समस्त प्राणी का हित में रतो, ये कथा जो है जो पहले बोल चुका इसका ही विशेष वर्णन हो रहा है। आत्मोपमेनो, अपना मापिक दूसरों का भी दुख होता है, सुख होता है, उस दूसरों का भी कष्ट होता है, भूख लगता है, सब कुछ अपना मापिक अनुभव करना। दूसरे का दुख जो है, सुख जो है, अपना अंदर में अपना मापिक अनुभव करना, किसी का भी दुख नहीं चाहता है, किसी का, सब कोई का पति अनुकंपाशील योगी परम श्रेष्ठ, ये मेरा विचार है। ऐसा अगर भाव आ गया ये मेरा, ये परम श्रेष्ठ, ये मेरा विचार है, लेकिन इसका अपोजिट अगर है, अगर उल्टा भावना है इसका अंदर किसी के योगी अंदर, तो ये ऐसा मेरा प्रिय नहीं। अर्थात ऐसा स्थिति में अगर नहीं पहुंचा तो मेरा प्रिय उतना प्रिय नहीं। योगी का क्रिया व्यवहार बोलने गया पूर्वक तो सर्वभूत हिते रतः, पहले बहुत पहले चर्चा कर चुका है, इसका ही विशेष व्याख्या हो रहा है। सर्वत्र समदर्शी अर्थात सर्व सकल सब कोई का सुख दुख, अपना सुख दुख का मापिक अनुभव करना, तिनी सर्व भूतानु भूतानुकंपी योगी भगवान कहते रहते। तैतीस नंबर श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि जो अयम योगस्तया प्रक्तः सम्मेन मधुसूदन एतस्य अहम् न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिरम स्थितिम्। जो अयम योगस्तया प्रक्तः, हे अर्जुन, हे मधुसूदन, अर्जुन कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, तुम जो समदर्शन का बारे में ये सब जो बताया, दर्शन बताया, ये मन जो है स्वाभाविक रूप से चंचल है, तो चंचल मन में आपका जो ये शिक्षा दिया है, जो बोला समदर्शन का, ये इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, दीर्घकाल स्थायित्व दर्शन नहीं हो रहा है, लगता है कि ये इम्प्रैक्टिकल लगता है, ये संभव नहीं है। बोलने में इजी है लेकिन पालन करने में इजी नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं कि मधुसूदन, जो अयम योगस्तया प्रक्तः, जो का बारे में आपने बताए सम्मेन मधुसूदन समदर्शन का बारे में, एतस्य अहम, ये जो का बारे में अहम न पश्यामि, ये तो हमको चंचलत्वात् स्थितिम स्थिरम, इसका कोई स्टेबिलिटी है ये नहीं, लगता है कि इसका स्टेबिलिटी है ही नहीं, कैसे हो सकता। विचार काल में ऐसा लगता है कि ये तो संभव है, दो एक दिन अच्छा हुआ ठीक है, लेकिन स्वाभाविक रूप से मन का अंदर में ये भावना जरूर आ जाता है कि ये शत्रु है, मित्र है, क्या ये खमादर्शन कैसे संभव है। अर्जुन कह रहे हैं कि देखो, आपका दिखाया हुआ जो रास्ता, दो एक दिन के लिए प्रैक्टिस किया तो अच्छा ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है, कैसे संभव है,
ये धरती पर ऐसा कोई आदमी है जो अपना शत्रु को, अपना शत्रु को, अपना शत्रु का मंगल चाहता है, अपना शत्रु को भी समदर्शन रखते हैं जैसे प्रभुपाद भक्तिनु ठाकुर? ऐसा होना तो मुश्किल है। अर्जुन का क्वेश्चन सही है। अर्जुन कह रहे हैं कि देखो मन तो बहुत चंचल, दो एक दिन के लिए ठीक है, लेकिन ये तो इसका जो निष्ठा है, स्टेबिलिटी, तो दिखाई नहीं पड़ता, कैसे संभव है? शत्रु को भी अपना मुताबिक दर्शन करना ये कोई खेलकूद है? असंभव है, असंभव है। शत्रु है, बहुत बदमाशी किया, बहुत, शत्रु को भी क्षमा करना, समदर्शन रखना, शत्रु मित्र भेद सर्वत्र समान, ये योग का जो बेसिक आइडिया है, कोई पार्थक्य नहीं है। जरा सा भी हिल गया मन तो हुआ नहीं ये योग। कैसे संभव है ये योग सही ढंग से पालन करने का कोई व्यवस्था तो दिख नहीं रहा है? कैसे? जो अयम योगस्तया प्रक्तः साम्येन मधुसूदन तस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। इसका स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है, कैसे संभव है? फिलोसॉफिकली ठीक है, प्रैक्टिकली मनाने जाओ तो मुश्किल हो रहा है, कैसे संभव है? इसका बारे में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात जी ने बताए, जो लोग बंधु वर्ग ततस्थो, ये लोग का लिए तो सम अवस्था, खैर चलो, खैर चलो हो सकता जो व्यवस्थित, किंतु जो लोग घातक है, रिपु घातक है, देष्टा है, निंदक है, ये लोगों को कैसे सम दर्शन किया जाए? जैसे द्रौपदी जी, द्रौपदी जी को मारने गया, द्रौपदी जी का जितना सारे 6 लड़का को मर डाला, 5 लड़का को, फिर भी अश्वत्थामा को लाने का बाद भी द्रौपदी जी कह रहे कि इसको छोड़ दो, मानो कि शुद्ध अंदर में शत्रु बुद्धि है ही नहीं। समा आई बात समय में? शत्रु बुद्धि बिल्कुल है ही नहीं, ये कैसे संभव है? ऐसा करके विश्वनाथ चतुर्वेदी बात कह रहे हैं कि खैर चलो बंधु वर्गो, जो हमारा दोस्ती, जो जो जिसका साथ दोस्ती है, और ततस्थ जिसका साथ मेरा दुश्मनी भी नहीं है, दोस्ती भी नहीं है, चलो ये लोगों का लिए समदर्शन कर ले शाम। लेकिन रिपु जो घातक है, मेरे को मारना चाहा, मेरा साथ विद्वेष करते रहता है, निंदक है मेरा, इसका साथ कैसे संभव है? ये तो स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा। अर्जुन विश्वनाथ चतुर्वेदी कह रहे कि मानो कि अर्जुन कह रहे हैं कि हम खुद अपना साथ युधिष्ठिर और दुर्योधन का सुख दुख को सर्वत्र रूप में तुल्य दर्शन करने में समर्थ नहीं हूं, कैसा संभव है? अपना सुख दुख, युधिष्ठिर महाराज का सुख दुख और दुर्योधन का सुख दुख जो है सर्वतोभाव में तुल्य दर्शन करने में मेरा सामर्थ्य नहीं है। जब भी मैं जानता हूं ये बात, जे मेरा अंदर में, मेरा बड़ा भाई युधिष्ठिर का अंदर में, मेरा चचेरा भाई दुर्योधन में एक ही भगवान परमात्मा जीवात्मा परमात्मा प्राण जीवात्मा परमात्मा प्राण और इंद्रियुक्त देहधारी
भूतगणों को विवेक के द्वारा समान देखना संभव हो सकता। फिर भी ये दो तीन दिन के लिए संभव है, किंतु लेकिन विवेक जो है विवेक के द्वारा, लेकिन विवेक के द्वारा अतीव अतीव प्रबल अतीव चंचल मन को निग्रह करना संभव कैसे है, ये मेरा डाउट हो रहा है। प्रभु ऐसे कैसे संभव है कृष्ण को प्रत्युतः वास्तविक रूप से विषाशक्त मन, विषाशक्त जो मन है वही विवेक को ही ग्रास कर लेता है, अतः विवेक को ठहरने नहीं देते। विवेक बनाएगा कैसे, विषाशक्त मन विवेक को ग्रास कर लेते, ये संभव नहीं हो पाता। मित्र उदासीन विदेशी भगवान भी भागवत में बताया, न ही गोप्यम ही साधुनाम कृत्वम सर्वात्मनामी हूं, ये जो श्लोक बताया था गोवर्धन पूजा का पहले जो चर्चा हुआ था, न ही गोप्यम ही साधुनाम कृत्वम सर्वात्मनाम इहो, अमित्रो मित्रो नहीं उदासीन विदेशी सबको इसके सामने है। साधु जो पक्का साधु है, सज्जन व्यक्ति साधु का कुछ गुप्त चीज नहीं, प्राइवेसी प्राइवेसी कुछ नहीं है, गुप्त रूप में कुछ रखना नहीं चाहता, गुप्त रूप कुछ नहीं है, प्राइवेसी नहीं चाहता। ये भगवत उक्ति साक्षात भगवान बताए कृष्ण बलराम गोवर्धन पूजा का पहले नंद महाराज उपानंदो सबको के सामने। भगवान खुद बताए अमित्रो उदासीन विद्वेषी का सामने साधुगणों का कुछ गुप्त तो नहीं है, प्राइवेसी नहीं है, प्राइवेसी नहीं है। यही भगवत उक्ति से वस्तुतः समदृष्टि के द्वारा सकल जीव कोई एक रूपता एवं देहो दृष्टि के द्वारा सकल शरीर में ही पंचभूतत्व बोलिया भेदना है, ऐसा अनुभव हो सकता है। वस्तुतः हाँ आत्मदृष्टि अगर खुल जाए, आत्मदृष्टि द्वारा सारे जीवों का अंदर में एक रूपता है, एक ही पंचभौतिक शरीर इंद्रियां सब है, एक ही परमात्मा है अंदर में बैठा है, ऐसा हिसाब किया जाए तो कोई भेद नहीं नजर आता, लेकिन फिर भी असंभव है। विश्वनाथ चतुर्वेदी बताए वो देखो ये कैसे संभव है, दो तीन दिन के लिए ठीक है, शत्रु मित्रों में समबुद्धि, मेरे विद्वेष करने वाले, मेरा सत्यनाश करने वाले जो है सब में समदर्शन करना है, कैसे संभव है, कैसे, ये बात है। अगले श्लोक में बताया चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्धिरम, ये मन इतना चंचल है, चंचलम चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्धिरम, इतना बलवान है मन, इतना बलवान है मन को मत पूछो, इसको कंट्रोल में लाना बस में लाना बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव। चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलवद्विरम, इतना पावरफुल है इसको बस में लाना संभव नहीं है लगता है। बलवद्विरम बलवान और दिरो तस्याहम निग्रह मन्ने, इसको कंट्रोल में लाना, इसको कंट्रोलिंग में लाना, इसको कंट्रोलिंग में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल,
तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु रिव सुदुष्कर। जैसे वायु को हाथ के द्वारा, हाथ के सपोर्ट के द्वारा एक जगह स्थिर करना संभव नहीं है, तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु रिव सुदुष्कर। वायु को जैसे मुट्ठी के द्वारा, हाथ के द्वारा निश्चल नहीं किया जा सकता, इतना चंचल है, ऐसा माफिक चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथी पलवद्दीरम। तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरिव सुदुष्कर। वायु को जैसे कंट्रोलिंग नहीं किया जा सकता है, इसको भी लगता है ये भी असंभव है, ये तो हमको लगता है संभव नहीं है बिल्कुल। ऐसा करके उपनिषद में ये युक्ति भी आता है, मन स्वाभाविक रूप में चंचल है, एतादृशो मन को निरोध करना, बस में लाना, ये एकदम इजी नहीं है। ये जान के ही, ये जानने का बाद भी भगवान, ये भगवान को पता है फिर भी भगवान ये, भगवान को पता है, अर्जुन का भी अनुभव हो रहा है कि असंभव है, अर्जुन का भी अनुभव है ये असंभव है, अब भगवान जानते हैं असंभव है, फिर भी अर्जुन तमाम लोगों का मंगल कामना करते हुए, अर्जुन ये शंका अपना अंदर में जो शंका है, डाउट्स है, ये रख दिया। उपनिषद का विचार में अगर ये विचार किया जाए, आत्मा को रथी स्वरूप, शरीर को रथ स्वरूप और बुद्धि को सारथी स्वरूप, मन को रश्मि अत प्रग्रह एवं इंद्रियों गणों को अश्व हाथी, ये जानना जरूरी है। उपनिषद में, उपनिषद में बताया, अतः ये मनीषी गणों ने बताया, जो विवेक विशिष्ट बुद्धि के द्वारा मन को नियमित करना आवश्यक है। मनीषी गणों ने बताया कि विवेक विशिष्ट बुद्धि के द्वारा मन को नियमित रेगुलेट करके करा जरूरी है। मनीषी गणों ने यह बताया तो ठीक है। इसका उत्तर में कह रहे हैं कि ये तो असंभव है, ऑलमोस्ट असंभव। तदुत्तर में बोला जाए, वह अत्यंत बलवान, जैसे किसी का बीमारी ऐसा हालत में गया कि दवा भी नहीं कम कर रहे, बलवान रोग जैसे सौ उपशमक औषध को भी परवाह नहीं करते, ऐसा जैसे एक तीखा निडल लोहे को भेद नहीं कर सकता, एतादृशी ये विवेक बुद्धि के द्वारा मन को भी भेद करना बहुत मुश्किल है। मन तो मेटेरियल है, बहुत विचार बनाया, बहुत बुद्धि लगाया, लेकिन मन को पेनिट्रेट करना, मन को पूरा छेद करना, ये असंभव है। मन को भेद करा संभव नहीं है। जैसे मुष्ठी के द्वारा वायु को पकड़ना मुश्किल है, वायु रिव सुदुष्कर, अतः हे भगवान, इसका श्लोक का माने हैं, अतः भगवान आप ही बताओ क्या किया जाए। भगवान का सामने अगर अर्जुन ऐसा बताया, इसमें ऐसा लगता है कि भगवान आप ही बताओ क्या रास्ता है, कोई तो रास्ता दिखता नहीं। भागवत में है,
दुर्जयानाम अहम मनः, गीता में भी है, जपों में मैं जप जग्गो हूं, है ना, सारे गीता में बताया, आगे चल के बताएगा। दुर्जयानम अहम मनः, जो चीज को बिल्कुल जय नहीं किया जाता है इसका नाम है मन। और भगवान बोला जगह दुर्जयानम अहम मम, दुर्जय वस्तुओं में मैं मन हूं, इसको जय करना बहुत मुश्किल। तिरंडी भिक्षु का भी वचन आता है, मनो बसे अन्य ही अभवन स्म देवा मनश्च नान्यश्च वसम समेति। तमाम दुनिया मन की वशीभूत है, यहां तक कि देवता लोग भी, यहां तक कि देवता लोग भी मन का वशीभूत है, मन किसी का बस में नहीं है। जैसे पितामह भीष्म बताया था, हर आदमी अर्थों का दासत्व करता है, अर्थ किसी का दासत्व नहीं करता, पितामह भीष्म जी ने बताया था। और यहां मन का प्रश्न आता है तिरंड भिक्षु का इधर, और वहां पितामह भीष्म जी ने बताया था अर्थ किसी का अर्थ किसी का गुलामी नहीं करता, हर आदमी अर्थों का गुलामी करता है। देवता लोगों के लिए भी असंभव है, देवता लोग भी मन का वशीभूत है, लेकिन मन किसी का वशीभूत नहीं है। इसलिए बद्ध जीवों का मन का हालत कैसा हो सकता है, अंदाजा लगा लो। कारण मन बलवान से भी बलवत्तर, बलवान है त्यो, बहुत बलवान है। जोगी गणों का लेगी भयंकर साबित हो सकता है। अतएव जो मन को वशीभूत कर सकता है वो तो सर्वेंद्रिय जोगी। जैसे जिह्वा को जय करने से आधा भजन हो गया, भजन का 60% समझ गया, अगर जिह्वा पर चाबी लगा दिया, लेकिन ये संभव नहीं। जिह्वा पर जो चाबी लगा सका उसका तो हो गया, समझो कि 60% भजन कि हैं, तावत जितेंद्रिय नौसात विजितान्य अन्येन्द्रिय, दूसरा तमाम इंद्रियों को जय करने का बाद भी वो जितेंद्रिय नहीं है जब तक जिह्वा को जय नहीं किया। जीतम सर्वम जिते रसे, जब जिह्वा को जय कर लिया तो उसका तमाम जय हो गया। ये प्रैक्टिकल, जो जिह्वा को जय कर लिया वो मानो कि उसका हो गया बहुत, वो जितेंद्रिय बन जाएगा। जीवगा जिसका जिह्वा अपना कंट्रोल में नहीं है वो कभी भी भजन नहीं कर सकता। ये जगदानंद पंडित जी ने सुंदर बताया, जिह्वार लालो से जे इतिउति धाय सिष्णो दौर परायण कृष्ण नहीं पाए। जगदानंद पंडित जी ने बताए जिह्वार लालो से, अच्छा जिह्वा का वहाँ छाना का रसा बनेगा, धोखा बनेगा, नानपुरी बनेगा, वो जिह्वा का लालस में जो दौड़ते रहता है करोड़ों जिंदगी में उसका भजन संभव। और जिस जिंदगी में वो इससे छुटकारा मिल गया तो रास्ता खुल सकता है। जिह्वार लालो से जे इतिउति धाय शिष्णु दौर परायण कृष्ण नहीं पाए। शिष्णु और उदर, शिष्णु जानते हो नीचे का अंग, और उदर, ये दोनों का प्रेशर में जो दौड़ते रहता है, भूख लगाए चलो खाने का ललची है बस हो गया। जिह्वार लालो से जे उत्ति धाय शिष्णु उदर परायण कृष्ण नहीं, वो कभी भी कृष्ण नहीं मिल सकता।
मन किसी का वशीभूत नहीं है, मन से बलवान कोई नहीं हो सकता, जोगी के लिए भी भयंकर हो सकता है। अतः जो मन को बस में लाया तो ये जितेंद्रिय जरूर है। जीतम सर्वम जीते रसे, रसना जय कर लिया तो जितेंद्रिय जरूर है। सबसे प्रॉब्लम है इधर। और जवान को चाबी लगा दिया, कंट्रोलिंग पूरा कंट्रोलिंग हो जाएगा ऊपर से नीच तक सारे। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि दूसरा सारे इंद्रियों ये भी तो जय करना जरूरी है। इसका उत्तर में विश्वनाथ चक्रवर्ती स्वयं पूर्व पक्ष पर पक्ष करके उत्तर दे रहा है। तो उत्तर में नो 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 ना, मनो बसे, मन बसीभूत होने से तमाम इंद्रियों अपने आप जय हो जाएगा। यदि अगर कोई कहता है कि दूसरा इंद्रियों ये भी तो जय करना जरूरी है, ये भी अपेक्षा रखता है, तो उत्तर में बोलता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ना ना, मन बस में आ गया सर्वेंद्रिय जय हो गया। मनसो बसे सर्वमिदं बभूव, नान्यस्व मनो बसम अन्यायो भीष्मो ही देवो सह सह सही आनो। स्वभावत चंचल दुर्जय मन को जोग के द्वारा भी वशीभूत करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अर्जुन अभी कृष्ण को, भगवान को कृष्ण बोल के संबोधन किया। ये कृष्ण बोल के जो संबोधन किया, दूसरा नाम नहीं बताया, कृष्ण बताया, हे कृष्ण। मानो कि ये लगता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया कि मैंने हाल छोड़ दिया, मन का ऊपर कंट्रोलिंग करने का जो प्रयास प्रचेष्टा, हे कृष्ण अभी मैं अपना हिम्मत हार गया और आपका ऊपर छोड़ दिया। हे कृष्ण, ये जो हे कृष्ण, चंचलम चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्धिरम, यहाँ कृष्ण बीच में कृष्ण बोल दिया, हे कृष्ण। ये जो बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं कि जैसे कि मानो कि ये अर्जुन हार कर, हिम्मत हार कर कृष्ण को और छोड़ दिया। कृष्ण, हे कृष्ण, तुम यदि अगर कृपा करो तो मन को आकर्षण करो अपना ओर, अगर तुम्हारा नाम कृष्ण है, कृष्ण न कृष्ण स्व आकर्षण है, मन को आकर्षण करके तुम अगर तुम्हारा ओर ले लोगे तब संभव है। हे कृष्ण, संबोधन करके मानो कि ये बताना चाहता है कि तुम अगर कृपा करके हमारा मन को आकर्षण कर लो तो हो सकता, नहीं तो इसका कोई रास्ता ही नहीं है, हमारा लिए कोई उपाय नहीं बचा। ऐसा एक शरणागति का भाव अंतर में जागृत है, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती बताया। ये संबोधन के द्वारा अर्जुन हम लोगों को ये बताना चाहता है कि कृष्ण कृपा, कृष्ण आकर्षक है, कृष्ण सबसे बड़, कृष्ण नाम, कृष्ण स्वरूप सर्वापेक्षा बड़ा आकर्षणीय है। तमाम दुनिया में जो चीज जय करना संभव नहीं है, मन के द्वारा जय करना संभव नहीं है, मन किसी भी हालत से बस में आने वाला नहीं है, लेकिन कृष्णा अगर कृपा करके आकर्षण कर लिया मेरा मन को तब तो अनायास हो सकता। कृष्णो के कृपा आकर्षण, कृष्णो आकर्षण करे, आकर्षण करे, ये व्यतीत तो मन जय असंभव, ये पूरा विज्ञापित कर दिया अर्जुन। तो मानो कि अर्जुन बोल रहा है कि हमारा सब कोई का ये कर्तव्य है कृष्णो में अनन्य शरणागति, ये छोड़ के
मन को जय करना संभव नहीं है। कृष्णों में अनन्य भक्ति व्यतीत तो कृष्ण को प्रसन्न करने का दूसरा कोई रास्ता है नहीं। कृषि भूवाचक शब्दों नश्च निवृत्तिवाचक कृष धातु आकर्षण परमानंद सूचक जो जीवों को माया का कबल से माया का जो प्रभाव से आकर्षण पूर्वक अपना स्वरूपानंद नामानंद देकर जीवों को अमृत पिलाकर परमानंद प्रदान कर सकता है और रसोवर्जन रसोपर्श परम दिशा निवर्तन थे। जब परम वस्तु को देखने का बाद भी मैं मशगूल हो जाता हूँ तब तो दूसरा आकर्षण में फंसने का कोई चांस नहीं। रसोवर्जन सबसे बड़ा रसमय वस्तु को दर्शन कर लिया तो दुनिया का कोई चीज मेरे को सता नहीं सकता। रसोवर्जन रसोपर्श परम दिशा ने परम वस्तु को दर्शन कर लिया, भगवान मेरे को आकर्षण किया तो इसका बाद किसी चीज में लगन लगना संभव नहीं है। उद्धव जी महाराज भी ये बताया भगवान आपका प्रसाद भोजी प्रसाद सेवा करते हैं हम लोग तो तुम्हारा माया से हमारा कोई डर नहीं है। तब माया जये मही ऐसा करके रास्ता दिखाया और मधुसूदन सरस्वती पाद जी ने भी यह बताया भक्तगणों का पापादि दोष समूह सर्वतभावे निवारण करने में असमर्थ व्यक्ति ये अगर भगवान का शरण में जाए तो हो सकता। यहाँ तक कि भक्ति योग का बारे में ये बताया था लिखा हुआ है विकर्म जच्चो उत्पतितम कथनचित मेरा रास्ते में चलते समय भक्ति का रास्ते में विकर्म जच्चो उत्पतितम कथनचित कर विकर्म कर लिया जो निषेध है विकर्म जच्चो उत्पतितम कथनचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट हो हृदय में प्रविष्ट होकर भगवान खुद इसको साफा कर देता है। भागवत में पहला स्कंद में भी ऐसा बताया गया जमादि वीर जोग पथेर काम लोभ हतो मुहु मुकुंद सेवया यदवत तथा दत्ता न सम्मति जमादिविर जोग पथोई जम नियम प्राणायाम आदि करते रहो जिंदगी भर जमादि भी इसका द्वारा ये सब माने किया जमादिविर जोग पथई काम लोभ हतो मुह फिर भी पूर्व संस्कार अगर खराब है तो बीच बीच में चंचल हो जाता है मन फिर भी उसका बस में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जमादिविर जोगपथई जोगपत के द्वारा जमादिवी के द्वारा जोगपथई काम लोभ हतोम हूँ ये जो काम लोभ मदो माश्चर्य के द्वारा अभिभूत हमारा जो मन है इसमें बस में लाना असंभव ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जमादिविर जोगपथई काम लोभ हतोम हूँ मुकुंद सेवया जदवत मुकुंद सेवा के द्वारा जितना जल्दी वशीभूत होता है मुकुंदो सेवया जदवत तथा अध्यात्म सम्मति ऐसा वशीभूत करना संभव नहीं। दूसरा रास्ता में जाओ तो संभव नहीं। मुकुंद सेवया जदवत ऐसा करके अर्जुन ने अपना हिम्मत हर दिया एवं बोला भगवान अगर तुम्हारा कीपा हो गया तो संभव है नहीं तो किसी का हिम्मत नहीं है। काम लोभ मद माया रे करिया जाए छारानो ना जाए
साधु गुरु कृपा बिना ना देखी उपाय, ये रास्ता है। भगवान अभी कह रहे हैं कि अर्जुन तुमने ठीक बताया, भगवान कह रहे हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, आपने सच्चा बताया तुम अर्जुन, असंशय इसका कोई डाउट नहीं है। महाबाहो जैसे अर्जुन कृष्ण, अर्जुन भगवान को कृष्ण नाम बोल के पुकारा है, ये आदि नाम सबसे, सब नाम ही आदि है लेकिन सबसे मुख्य नाम है कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण, और कृष्ण बोल कृष्णो ये नाम बोल के पुकारा, विश्वनाथ चक्रदेव बोला जो कृष्णो मानो कि अर्जुन बोलना चाहता है कि हम हिम्मत हर गया कृष्णो, तुम तो हमारा भाई हो, बंधु हो सबसे, अगर तुम अगर बचा सको तो हो सकता, अपना हिम्मत हार गया मैं, ये अर्जुन ने बोला। भगवान भी बोलते समय, उत्तर देते समय कह रहे हैं कि असंशय महाबाहो, महाबाहो किसको बोले जाते, जो वीर है महाबाहो, जिसने कभी हिम्मत नहीं हारा, ये महाबाहो। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, भगवान ने बोला हाँ ठीक बताया, मनो दुर्निग्रहम चलम, लेकिन अभ्यासेन तू कुंतियो वैराग्येण च ज्ञात, अगर अभ्यास करते चलो, कौन सी अभ्यास, मन को घुमा फिरा कर सो आनंदमयाभ्यासार्थ, वेदांत सूत्र में है कभी चर्चा होगा, आनंदमयाभ्यासार्थ, आनंद अगर मिले तो सारे प्रॉब्लम फीका पड़ जाता है, आनंद नहीं मिलता है तभी इतना समस्या, प्रेम सबसे ऊपर है, प्रेम मिल गया आनंद मिल गया तो इसका बाद कोई समस्या टिकता नहीं। जिसलिए चैतन्य महाप्रभु का बारे में देखा जाए तो जंगल में भी मंगल है, भगवान जंगल में चल रहे, शेर वगैरह तमाम एक साथ चल रहे, क्यों, फॉर द टाइम बीइंग अप्राकृत वृंदावन का दर्शन करा दिया ठाकुर जी, जैसे भागवत में है ना, वृंदावन में ऐसा स्थिति है सर्वकाल सुखावह, हर समय बसंत काल लगता है, सर्वकाल सुखावह, और ऐसा लिखा है दशम स्कंद में, वृंदावने नैसर्गिकी दुर्वैरा सहासनो नी मिगादयो, यहां सिंह है हिरण है सब एक साथ आपस में हिल में, क्यों वहां भूख प्यास कुछ नहीं है, लेकिन डाइवर्सिटी जरूर है, भगवान का वृंदावन में भी आनंद है, वो डाइवर्सिटी है अनंत ऐश्वर्य, अनंत डाइवर्सिटी है, वैचित्रता है, ये जड़ बुद्धि देकर उसका समाधान नहीं हो पाता। भगवान अभी कह रहे हैं कि हे महाबाहो तुमने तो सब तुमने सुख बोला, किंतु जोग शास्त्र में ये विशेष उपदेश है जे दूर निरिग्रह चंचल मन क्रमश आनंद 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 आस्वादन अभ्यास और विषय वैराग्य के द्वारा वशीभूत हो सकता है, दोनों का माने एक ही है, वैराग्य मतलब विशेष, वैराग्य मने विराग अर्थात जड़ विषय में भोग बुद्धि करने वाले, जड़ विषय में भोग बुद्धि करने वाले जो आनंद लेता लूटता है। अब वैरागी क्या है, विगत और राग, उसका जड़ विषय में आनंद चला गया और भगवान में विशेष अनुराग उत्पन्न हुआ, रसमय आनंदमय भगवान में आकर्षण पैदा हुआ, इसीलिए उसका लिए वैराग्य तो कुछ बात ही नहीं, ये सामान्य बात है उसके लिए।
जो भक्त लोग है उसके लिए वैराग्य स्वाभाविक है, इसके लिए वैराग्य स्वाभाविक है, वो कोई सामान्य चीज है। भक्ति परेशान भव विरक्तिर अन्यत्र, ये जो श्लोक चर्चा किया था ये चर्चा आ रहा है। भक्ति परेशानुभाव विरक्तिर अन्यत्र चैषत्री को एक काल प्रपद्य मानस्य, ये जो श्लोक है भक्ति पर ईशो अनुभव और वैराग्य तीनों साथ साथ चलता है। भक्ति आया वैराग्य नहीं है कैसे हो सकता, जैसे मुकुंद जी भगवान का पार्षद इच्छा करके लीला करके दिखाया, मुकुंद मुकुंद सोचा अरे हमको बोल के लाया गया कि चलो विद्यानिधि पुंडरिक विद्यानिधि का दर्शन करके आओ, इतना बड़ा भक्त है लेकिन भक्ति का तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। पुंडरिक विद्यानिधि का सामने मुकुंद लाया किसको, गदाधर को इच्छा करके, ये लीला है। मुकुंदो पुंडरिक विद्यानी का भक्ति का बारे में पूरा उसका जानकारी है, वो जानता है कितना बड़ा भक्त है लेकिन बाहरी दृष्टि में कुछ नहीं। वो गदाधर पंडित जी ने लीला करके दिखाया उसको गलत समझा, ये कैसा वैराग्य है, अरे इतना सुंदर बाल है, वो इतना पिगदानी है, इतना सुंदर यूनो राजा का मापी कि इसका भक्ति है बोला, तो इसको परीक्षा करने के लिए इच्छा करके मुकुंद जी बढ़ा पीरन नटवर बबू ये श्लोक बताया। और साथ साथ ही पुंडरी विद्यानिधि हुंकार करके विस्तारा से कूद पड़ा नीचे, अपना इतना सुंदर जो रेशमी चादर है उसको फाड़ दिया, अपना बाल बाल को उखाड़ने गया, अपना हृदय को चीरने के लिए गया, कृष्ण कहाँ है। तो गदाधर पंडित सोच लिया अरे हम तो सोचा कि ये बड़ा विषयी है, हमने सोचा इतना बड़ा विषयी है, इतना एकदम चिकना है अपना बिस्तरा बाल अपना कपड़ा, अरे राजा का मापिक, लेकिन आप तो देखा है इसका मापिक बड़ा भक्त कोई नहीं है, क्योंकि वो बताया ना भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र चैषति को एक काल, ये सच्चा बात है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि असंशयम महावाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, आपने ठीक बताया मन को निग्रह करना असंभव है लेकिन अभ्यास है नो तू कुंते वैराग्य नो, किंतु अभ्यास करते चलो मन स्वाभाविक रूप से अपना बस में आ ही जाएगा। कौन सी अभ्यास, इसका बारे में वेदांतों में जाना पड़ेगा। वेदांतों में लिखा है आनंदमय अभ्यासात, ये आनंदमय जो भगवान है इसका अभ्यास करते चलो, इसका नाम रटते चलो, उसका प्रसाद पाते चलो, उसका दर्शन करते चलो, ऐसा कर सेवा करते चलो, तो इसका ही झांकी जो है दिल में बैठ जाएगा और सारे विषय को टट्टी पेशाब का मापिक फेंक दोगे बाहर। लेकिन आप जोर जबरदस्ती करने जाओ तो होगा नहीं। रसो वर्जम रसो पासो परम दिशा निवर्तन थी, परम रसमय वस्तु का अभ्यास करते चलो तब तो देखो कि स्वाभाविक है। जैसे अभी बताया था नारद जी देवर्षि नारद का वाक्य बताया भागवत में पैलस का, जमादिवीर जोग पथई काम लोभ हतो मुंह, अरे घुमा फिरा कर काम क्रोध लोभ मोह मदो मासे जाने वाला नहीं है, ये राक्षस है, ये राक्षस है, पिशाच है, बिल्कुल जाने वाला नहीं है। इसलिए जमादिवीर जोग पथई काम लोभ हतो मुंह हतो मुंह, बार बार लात खाता है, काम क्रोधेर लाती खाए, लिखा है कीर्तन में काम क्रोध का लाठी खा रहा है बार बार बदजीव। जमादिवीर जोग पथई काम लोभ हतो मुंह मुकुंद सेवया जदवत, जैसे मुकुंद सेवा के द्वारा अनायास सम्मता बैलेंसिंग अवस्था में आ जाता है, बस में आ जाता है, ऐसा किसी तरीका से हो नहीं सकता। इसीलिए महाप्रभु जी ने शुक्लांबर मुझे ब्रह्मचारी को बताया था ये दूध पीता ब्रह्मचारी है। महाप्रभु जी, अरे तुम क्या सोचते हो,
दूध पान करते रहते हो इसलिए भगवान मिल जाएगा। भगवान ने तब एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई, असुरो तप करे ताहे की बा फल। अरे असुर लोग भी तुमसे ज्यादा तपस्या करता है, उसमें क्या आता जाता है? असुर लोग जो तपस्या करता है देवता लोग भी नहीं कभी नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु तपस्या का बराबरी कभी नहीं हो सकता। न भूतम न भविष्यति ब्रह्मा जी ने बताया, तो क्या आता जाता है? हमारा गुरुवर्गो से ये शिक्षा प्राप्त हुआ है, तुम एक आहार करो कि दो आहार करो, तीन आहार करो, सुबह में 3 बजे उठो, कपड़ा छोटा परो है, ठंडी में डोलो, ये भक्ति का साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ये दिखाओ मत, तुम 3 बार खा लो, 4 बार खा लो, हमको कोई दरकार नहीं है, हम देखेंगे भक्ति। भक्ति है ना, ये सबसे बड़ा चीज है। वैराग्य का बहुत सारे नंगापन, वैराग्य का बहुत सारे नंगापन हमने देख लिए, इसलिए बार बार ये जो पोदानंद सरस्वती बाद जी ने बताया ना, ये श्लोक हमने बताया है, उग्र तपस्या मत करो, जो स्वाभाविक है नॉर्मल, युक्ताहारो विहारस्यो, युक्ताहार जिसका युक्त आहार विहार, सोना भी परिमित है, खाना भी परिमित है, बोलना भी परिमित, सब परिमित है, रेगुलेटेड है, कंट्रोलिंग है उसका पूरा। कीर्तन में हमारा लोचनदास ठाकुर लिखा है ना, मीछे मायार बसे झाच्चो भेषे खाच्चो हाबू डुबू भाई, मीछे मायार बसे झाच्चो भेषे खाच्चो हाबू डुबू भाई। युक्त वैराग्यो का आश्रय करना जरूरी है, ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट। भगवान का संतुष्टि विधान के लिए जो करो तो करो, अपना दिखाने के लिए कुछ मत करो। जसोदा माँ अगर कह दे कि हमको पूरा सुबह में उठकर हमको थोड़ा पूजा पाठ करना है, गोपाल भूखे मरे तो मैं क्या करूं, तो होगा नहीं ये होगा नहीं। जसोदा माँ अगर नाम जपने में बैठ जाए हरे कृष्ण हाँ गोपाल भूखे मरे तो होगा नहीं। भगवान को संतुष्टि करना, हमारा नाम जपना मतलब ज्यादा सेवा मिलने के लिए। भगवान हमको 1 लाख नाम जरूरी है हर भक्तों के लिए, 1 लाख नाम जरूरी है। किस लिए? हमको भगवान सेवा देंगे, इतना व्यस्तता देंगे जो हमको भला उल्टा सीधा चिंता करने का फुर्सत नहीं है, खाने का भी फुर्सत नहीं है। भगवान कितना कृपामय है, इतना व्यस्तता कर दिया। जिसको प्यार नहीं करते भगवान, और जा 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 माया का ओर जा, खूब आनंद ले ले जा, हैं पीठा कचौड़ी खा ले जा जा, भगवान उसको मोड़ घुमा देता है। इसका बारे में चर्चा होना जरूरी है, वेदांत सूत्र बहुत सो आज होगा दोपहर को, ये कर्म कैसे अनादि है और अप्राकृत समय क्या क्या चीज है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये 2 विषय में चर्चा होगा। बाकी तो फाइनल टच वो होगा ही होगा, जीव तत्व का बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें वेदांत से कर्म कैसे अनादि है, अनंत काल से जीव घूमते फिरते हैं। और गीता में जो पहले हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी और कभी समय मिले तो चर्चा करने की इच्छा है, नादत्त कस्यचित् पापम, इसका क्या रिलेटिविटी, क्या संबंध है, भगवान है और जीवात्मा क्या कर रहा है अंदर में, डायरेक्टली अनडायरेक्टली सब भगवान कराता है। और भगवान अगर कराता है तो भगवान निष्ठुर है, मर्सीलेस है, ये भी बोल नहीं सकता। इसका युक्ति वेदांत से चर्चा आज हो पाएगा। भगवान को निष्ठुर मत बोलो, भगवान निष्ठुर नहीं है। कैसे निष्ठुर नहीं है? अगर भगवान सब करा रहे, अब भगवान करा रहे फिर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर चीज भगवान कर रहा है, फिर भी भगवान इस चीजों में रहते हुए भी भगवान नहीं है, ये कैसे संभव है? ये चतुश्लोकी भागवत में है ना, है
जवानाम जता भाव जद्रुम गुर जद्रुप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञान स्तुति मधुरुंगा अहम एवासम एवाग्रण सत्परम पश्चाद हम जदे तत्जो वशिष्वस्मी हम रीते अर्थम यद पतीत न पतीत चात्मनि तद्विद्यात्मानमयम यथा वास यथात्मा यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चवचिषुन प्रविष्टान्न प्रविष्टानि नौतेषु नौतेषु हम। जैसे पंचभूत सर्व विषय में होते हुए भी अलग से है, भगवान सर्व विषय में होते हुए भी भगवान को दोषारोप नहीं किया जा सकता, इसका बारे में आज दोपहर को चर्चा होगा कैसे। तो ये जो है अभ्यासे न तू कंद्य, मतलब ये आनंदमय अभ्यास, आनंदमय वस्तु का अनंत आनंदमय वस्तु का अभ्यास करते चलो तो इसमें जो आपका जो मन है चंचल मन है वो चिपक जाएगा। चंचल मन जो है ठाकुर जी में अगर चिपक जाए तो हो गया छुट्टी, हमारा समाधान हो गया है। और चंचल मन आनंदमय अभ्यासात आनंदमय का अभ्यास जितना जितना करते चलोगे विषय का ओर खिंचावट उतना ही हटते चलेगा। ये साइमल्टेनियसली, ये अलग से करने का दरकार नहीं। जैसे हमने बताया था पहले श्लोक बताया था ना, भक्ति परेशान भव विरक्तिर अन्नत्र श्लोक दे, भक्ति परेशान व विरक्त सब एक साथ। आनंदमय का अभ्यास, आनंदमय भगवान का जितना अभ्यास करोगे उतना ही विषय से आप छुटकारा मिलने का ओर चलते रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो असंशयम महाबाहो मनो दुर्निर्गहम चलम अभ्यासे न तु कंत्यो वैराग्येण चाग्रियाति। मन तो निग्रह जे दुष्कर ये तो भगवान स्वीकार कर लिया, भगवान स्वीकार कर लिया आपका बात है ठीक है, मन दुष्कर है इसको बस में लाना संभव नहीं। तुम जो कह रहे हो को एकदम बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी तो सच्चा है कि बलवान रोग जैसे सद्वैद्य प्रयुक्त औषध और परहेज, औषध का साथ परहेज, ये सब सुपथ परहेज वो करते 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 इन द मीन टाइम रेगुलरली ये सेवन करते करते भले ही ज्यादा समय लग जाए लेकिन रोगों का उपशम हो जाता है। आयुर्वेद में ये है, आयुर्वेद में ये है व्यवस्था है, होम्योपैथी में भी है। क्योंकि ये दुर्निग्रह मन जो है आपने बोला सही लेकिन फिर भी संभव है। सदगुरु का उपदेश भजन पद्धति के द्वारा ये योग अभ्यास आत्मानंद आस्वादन के द्वारा चित्तों का लय हो जाएगा, विक्षेप शून्य हो जाए, प्रतिबंधक जितना सारे बाधाए हैं वो सब हट जाए। जैसे उस दिन बताया था पवन गोस्वामी महाराज का कथा में, अंतिम कथा में, विजित ऋषि को वायु भेरदांत मिनोस्तुरगम, मन चंचल है असंशय बिल्कुल असंभव इसको जाए, लेकिन संभव है। अर्जुन जैसे भगवान को कृष्ण नाम बोल के पुकारा है, ये कृष्ण नाम बोल के पुकारने का साथ साथ जो इनर मीनिंग है अंतर दृष्टि है, मानो कि अर्जुन बोलना चाहता है जीवों को भगवान का चरण में, भगवान कृष्णो का चरण में शरणापत्ति एकमात्र रास्ता है। मम माया दुरत्तया ऐसा बताया, फिर उसका बात बताया ममे वो जो प्रबुद्धन थे माया में तम तरंती थे, ये भी बताया, ये बात को ध्यान देना चाहिए।
भक्तवत्सल भगवान, भक्त जैसे अर्जुन जैसे भगवान को कृष्ण नाम बोल के पुकार के पुकारा है, भगवान भी जी जथामं प्रपद्यन्ते तान सतैव भजाम्यहम्, पहले महाबाहो बोल के उसका होश उसको थोड़ा हौसला बढ़ाया, उसका बाद कौन कौन थियो बोल के उसका बाद कौन थियो और बासे न तू कौन थियो बोल के अपना बुआ का साथ जो कृष्ण का संबंध है, आप बुआ का तुम लड़का हो, तुम मेरा अपना हो, किसी भी हालत से तुमको गिरने नहीं देंगे, जितना सारे मुसीबतें आए मैं हूं तुम्हारा साथ, ये बोलने के लिए कुंतिश कौंतेयो शब्द उच्चारण किया। भक्तवत्सल भगवान भी अर्जुन को कौंतेयो शब्द के द्वारा अपना अकृत्रिम अनअलॉयड जो अफेक्शन है स्नेह है अर्जुन का पति दिखाया। और तमाम जीवों को बद्ध जीवों को ये रास्ता दिखाया भगवान, जैसे अर्जुन रास्ता दिखाया भगवान का इच्छा के द्वारा कृष्ण बोल के, अब भगवान पूरा रास्ता दिखा रहे हैं कि मनोदमन का मन को बस में लाने का एक ही रास्ता है कि मेरा शरण में आ जाओ, और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। भगवान श्रीमद भागवत जी महापुराण में 11 स्कंद में 51 अध्याय 60 नंबर श्लोक में मुचुकुंदों को भी ये उपदेश दिया। भगवान मुचुकुंदों को बताया जुंजान्याम जुंजानम अभक्त्यानम जुंजान जुंजान्यानम अभक्त्यानम प्राणायामादिभिर मनः अक्षीणोवासम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। हे राजन, अभक्त जोगी मेटेरियल जोगी तो पक्का होनी चाहिए, लेकिन अगर उसका टारगेट है कुछ और है तो मेटेरियल है। हे राजन, अभक्त जोगी एवं ज्ञानीगण का जो मन है प्राणायामी प्राणायाम आदि अनुष्ठान के द्वारा वासना सुन्नो होता होता नहीं। वो लोग चेष्टा करते हैं वासना सुन्नो बना दे, लेकिन वासना सुन्नो होता ही नहीं और उल्टा हो जाता है। कई कई जोगी का ऐसा हुआ है, जोग भ्रष्ट होके विषय करोड़, देखो कितना उदाहरण है, कितना उदाहरण है। देखो हमारा भरत महाराज है, फिर आपका वो जो सोभरी ऋषि है और गजेंद्र बना था, वो जो गजेंद्र है पहले इंद्रद्युम्न महाराज वो अपराध के द्वारा विषय का ओर खींच लिया मन माया। वासना सुन्न होना जग जोग के जोगों का अभ्यास के द्वारा वासना सुन्न होना तो दूर की बात है, उल्टा हो गया और विषय में और ज्यादा गया। अरे सोभरी मुनि अगर जोग नहीं किया हो अगर जोग नहीं किया होता ऑर्डिनरी होता तो अगर अपराध नहीं है तो कम से कम एक शादी करता, तो 50 शादी कर लिया, उल्टा हो गया। सो भगवान कह रहे हैं कि मुचुकुंद को, हे राजन अभक्त जोगी अज्ञानी गणों का मन प्राणायाम आदि के द्वारा वासना सुन्न होना तो दूर की बात, उल्टा हो जाता है, विषय के विषय खींच लेता है, ऐसा भी बहुत देखा गया, बहुत प्रमाण है। और शिला चक्रवर्ती बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद इस टीका में बताया जोगो शास्त्रानुसारे देखा जाता है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधो, ये तो पतंजलि सूत्र, हमारा उतना दरकार नहीं इसमें,
एक चीज तो जरूर पक्का है, जे गीता में भगवान बताया जो विषय का वो जो खिंचावट है अपने आप हट जाएगा। पर वस्तु श्रेष्ठ वस्तु और समय वस्तु आनंदमय वस्तु का दर्शन करके अभ्यास करके वो अपने आप रसोवर्जम रसोपासो परम दृष्टा निवर्तन्ते अपने आप। अब तो खींच आप तो खींचने का कोई दरकार नहीं, अपने आप जब भगवान का दर्शन करे, भगवान का और खिंचावट अनुभव करे, भगवान का नाम धाम प्रसाद चारों कथा कैसा हुआ था हमारा सुखदेव गोस्वामी महाराज का परिनिश्चित ओपी नैर्गुण ने, सुखदेव गोस्वामी बताया था देखो परिनिश्चित ओपी नैर्गुण ने, हमारा निर्गुण ब्रह्म का उपासना था, लेकिन क्या हुआ बाद में ऐसा खिंचावट हुआ कि मानो हम सब छोड़ छाड़ के पीछे भागने लगे, और बताओ और बताओ और सुनाओ और सुनाओ। तो ऐसे लेके आया वैद्यदेव गोस्वामी के पास। जब सुखदेव गोस्वामी परमंश श्रेष्ठ स्वयं बताया परिनिष्ठ तो ओपी निर्गुण ने, हम निर्गुण ब्रह्म में उपासना करते थे, अब बाद में देखो इतना खिंचावट आया कि सब छोड़ छाड़ के आ गए। बरहा पीरा नटवर बपु कर्णयो कर्णिकालम बिभद भास कनक कुपिसम भयंतिं चमालम रंधानो बेन रधर सुदया पुरायणो गोप बिंदुर बिंदारण्यम सपद रमनम प्राविशद। ये जो श्लोक है गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति, ये जो है ये तो प्रमाण है सुखदेव गोस्वामी। तो विश्वनाथ चतुर्वेदी कह रहे हैं कि भगवान अर्जुन को महाबाहो ये संबोधन किया, इस संबोधन किसने किया, इसलिए किया इसको याद दिलाने के लिए, युद्ध संग्राम में तुम महाबाहो, तुम महा महावीर लोगों को जय किया, एमन कि यहां तक कि पिनाकी धुरजटी महादेव इसको भी वशीभूत कर दिया तुमने, हैं किया ना अर्जुन तुमने सबको ही संतुष्ट किया, अपना युद्ध वीरता के द्वारा तुम पिनाकी धुरजटी शंकर भगवान शिवजी महाराज को संतुष्ट किया, इंद्र को वशीभूत किया, सबको ही को। लेकिन उसमें क्या आता जाता है, भगवान मानो की लगता है कि हंसी उड़ा रहे, तुम तो महाबाहो हो यहां क्यों पराजित हो गया हैं, तुम महाबाहो हो ना, इतना वीरता है तुम्हारा दिखाया तुमने, तुमने सब जय कर दिया, अरे उसमें क्या आता जाता है। तुम अगर महावीर नाम से प्रसिद्ध हो, महावीर शिरोमणि जो मन है इसको पराजय करना तुम्हारा लिए संभव नहीं है, तुम महावीर हो किसी जगह हिम्मत नहीं हारा तो इधर क्यों हिम्मत हार रहे हो, ये मन रूपी जो महा उद्भट महावीर है, हैं शिरोमणि मन है महावीर शिरोमणि प्रधानिक भट्ट और इसको जय करने में क्यों समर्थ नहीं हो, इसमें डर क्यों, इसमें कैसे तुम डरपोक हो गया, तुम्हारा डरना तो उचित नहीं है, तुम्हारा नाम महावीर है, तुम्हारा नाम महाबाहो है, डरने का कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मेरा पिता का भगनी मेरा बुआ जी का लड़का हो, मेरा भाई हो, अपना हूं, तुमको सहायता करना मेरा काम है, जितना तक हो सके करो, मैं तो हूं पीछे। और ये जो डरने का बात है ये हटाने के लिए भगवान ये महाबाहो रूप से बताया, तुम तो महाबाहो सब जय कर दिया, अरे एक एक भी साम तमाम दुनिया को जय कर, हिरण्यकशिपु तमाम दुनिया को जय कर दिया, उसका असफलम ऐसा है उसका पद विन्यास के द्वारा इंद्र महाराज भागते रहते हैं, वही आ रहा है हिरण्यकशिपु भागो यहां से, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षो रावण ये तो महाराज तमाम दुनिया को जय कर दिया,
लेकिन होने से क्या हुआ, अपना मन का पास, अपना मन का सामने बेबस है, अपना मन का सामने विवश है, पराजित है, अपना मन का सामने विवश है, पराजित है। इसलिए मन से बड़ा नहीं कोई, मन को जो जय कर लिया वो उसका तो हो गया छुट्टी, ये भी स्वाभाविक बात नहीं है। जो भी है इसका चर्चा हो पाएगा अगला दिन, किसलिए हम पीछे गया, हमारा संतुष्टि नहीं हुआ था, इसलिए दोबारा ये सब। तो श्री भगवान जब कह रहे हैं कि असंशयम महाबाहो मन दुर्निरीग्रहम चलम अभ्यासेन तु कुंतियो वैराग्येण च गृहते, जब ऐसा बताया था, ऐसा बताना शुरू कर दिया, इसका अंदर में बहुत सारे रहस्य है, आगे हम चर्चा करेंगे काल इस विषय के ऊपर, है ना। ऐसे भगवत जी महापुराण भी है, रजस्तमश्च सत्येन सत्यंच उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्ता पुरुषो ही अंजसा जयेत, जो बात हमने बताया ना मुकुंद सेवा, एक गुरु सेवा मतलब गुरु तो वैष्णव है, गुरु सेवा मतलब भगवान से, ताते गुरु सेवे करे कृष्णेर सेवन माया जाल छुटी पाए कृष्ण चरण, ये जो चैतन्य चरितामृत में है, जमा दीभिर जोग पथै काम लोभम हतो मुहु मुकुंद सेवया जदवत तथा अध्यात्वा न सम्मति, जमा दीभिर जोग पथै काम लोभ हतो मुहु मुकुंद सेवया यदवत तथा अध्यात्वा न सम्मति। वांछा कल्पतरुषि के पास सिंधु पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो।